अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त सा, डिलीशियस सा फ्रूट कस्टर्ड। तो चले स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर दूध लिया है मैंने हाफ लीटर और इसे बॉयल आने देना है हमने। तो जब तक यहाँ पर दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम वनीला कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध लिया है मैंने हाफ प्याली, इसमें मैं वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी 4 टीस्पून। अब इसे मिक्स करके इसकी लिक्विड तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिक्विड तैयार कर लिया है वनीला कस्टर्ड डाल के। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी हाफ प्याली चीनी हस्बे जायका, आपको जितनी चाहिए आप उतनी चीनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ प्याली डाल रही हूँ, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब होगी। इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम लो ही रखूंगी मैं। 2 टेबल स्पून डाल दूंगी कोकोनट पाउडर, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 अदद मैंने केक लिए हैं, और केक जो प्लेन केक होते हैं वो लिया है, और इसका मैंने बुरादा कर लिया है। ये केक इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो मैंने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड का वो इसमें डालती जाऊंगी और साथ साथ चमचा हिलाती जाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। इसे थोड़ा सा थिक होने तक पकाऊंगी मैं। तो ये देखिए कस्टर्ड यहाँ पर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और इसकी हमने इतनी ही थिकनेस रखनी थी। तो बस अब ये बनकर तैयार हो चुका है, फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर मैंने ठंडा कर लिया है, और ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की हो गई है। जब इसमें फ्रूट डालेंगे ना तो ये पतला नहीं होगा, ये इसमें पानी नहीं छोड़ेगा, बस ये इसकी इतनी। और आप हमेशा जब भी फ्रूट कस्टर्ड बनाएं तो इसका जो इसे हमेशा से ठंडा करके फिर इसमें फ्रूट डाला करें। अगर गर्म गर्म इसमें फ्रूट डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और कस्टर्ड जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, और इसके अलावा एप्पल है और बनाना है। इसको आप चाहे जितना बारीक करना चाहो बारीक कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पीस रखना चाहे तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। तो अब इसको मैं डाल दूंगी, सबसे पहले स्ट्रॉबेरी डाल दूंगी, कीवी डाल दूंगी, एप्पल डाल देंगे, बनाना डाल देंगे। फ्रूट्स आप जितना चाहें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रूट्स इसमें। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, इस पर गार्निशिंग कर दूंगी, स्ट्रॉबेरी रख दूंगी इस तरह से, थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी। बादाम, तो ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे ठंडा करें, और आप रमज़ान में इफ्तारी में भी इसे रख सकते हैं, मेहमानों के सामने भी फूरी तपे बनाकर पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।